हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूके उचाला आर्ट टाइम। मैं यहाँ आज आप लोगों को बताऊंगी पेंसिल स्केच कैसे बनाते हैं। स्केच बनाने के लिए आप एक पेंसिल ले लीजिए, एक शॉर्पनर ले लीजिए, एक रेजर ले लीजिए, एक स्केल ले लीजिए और एक पेपर ले लीजिए जिस पे आपको ड्रॉ करना है। अगर आप बिगिनर हो तो इस पेपर को देखिए और इसमें एक ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ किस तरीके से करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, आप एक स्केल ले लीजिए, जिस स्केल में एक मेजरमेंट ले लीजिए। मैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले रही हूँ। आप ही ऐसे मेजरमेंट लेके एक लाइन खींच लीजिए। देखिए किस तरीके से खींच रहे हैं। लाइन खींच के 7 सेंटीमीटर को हाफ कर लीजिए, 3.5। अब 3.5 से एक मिडल पे इसको हाफ डिवाइड कर दीजिए। देखिए फेस कैसे बनाते हैं। अब जहाँ से हमने लाइन खींचा था 3.5 लेफ्ट साइड में, 3.5 राइट साइड में हो गया है। अब देखिए, हम पहले सबसे आईब्रो ड्रॉ कर लेंगे। देखिए किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। मेजरमेंट आपका सही हो इसीलिए आप स्केल से पहले साइज को नाप लीजिए। अब आई ड्रॉ करेंगे। आई जो लाइन खींची है उस लाइन के अकॉर्डिंग आप ऊपर जितना रखेंगे, नीचे जितना रखेंगे, दूसरे आई को भी उतना ही मेजरमेंट के हिसाब से रखेंगे तो आपका आईज दोनों सही बनेगा। देखिए किस तरीके से बना रहे हैं। देखिए हमने आई और आईब्रो बना लिया है। अब नोज का शेप देंगे। नोज का शेप देखिए किस तरीके से दे रहे हैं। दोनों आईब्रो से लेके नीचे तक एक मेजरमेंट ले लेंगे। 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लीजिए। ठीक है, फेस कट के हिसाब से हम मेजरमेंट लेंगे। 3 सेंटीमीटर ले लिया है। अब वहाँ से हमने नोज बना लिया है। अब लिप्स बनाएंगे। लिप्स बनाने के लिए भाई एक छोटा सा मेजरमेंट ले लीजिए। आप 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लीजिए ताकि आप 1 सेंटीमीटर राइट और 1 सेंटीमीटर लेफ्ट पे रखिए ताकि आपका लिप्स सही से बने। देखिए किस तरीके से बना रहे हैं। देखिए हमने आईज, नोज और लिप्स बना लिया है। अब फेस कट देंगे। फेस कट देने के लिए आप जिस रेफरेंस के हिसाब से बना रहे हैं उसी हिसाब से अपना फेस कट दीजिएगा। मैं यहाँ पे दुर्गा माँ का पेंटिंग बना रही हूँ तो देखिए कैसे बना रहे हैं। देखिए अब ईयर बना रहे हैं। ईयर पे हम इयररिंग पहना देंगे। दोनों तरफ की इयररिंग हमने बना ली है। अब इसमें हम मांग टीका बनाएंगे, फिर हेयर बनाएंगे। हेयर देखिए कैसे बना रहे हैं। हेयर बनाने के लिए पहले आप हेयर का आउटलाइन कर लीजिए। आपको हेयर किस स्टाइल में बनाना है, कैसा उसका हेयर है, उस हिसाब से पहले आउटलाइन कर लीजिए। अब मैंने आउटलाइन कर लिया है। अब इसमें शेडिंग देंगे। सबसे पहले आईब्रो में शेडिंग कर रही हूँ। देखिए किस तरीके से शेडिंग कर रहे हैं। आईब्रो सेट करने के लिए थोड़ा सा डार्क पेंसिल ले लीजिएगा। सेट करने के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, तो आप चाहो तो 6B या फिर 8B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं डार्क पार्ट को डार्क करने के लिए, जैसे कि आईज, आईब्रो, लिप्स। हेयर में भी आप डार्क पेंसिल का यूज कीजिएगा ताकि हेयर थोड़ा अच्छे से डार्क हो। देखिए आई को मैं डार्क कर लूंगी। जहां पे डार्क है वहां पे डार्क करना है पहले। शेडिंग करेंगे। शेडिंग करने के लिए आप 2B या फिर HB पेंसिल का ही यूज़ करना ताकि शेडिंग अच्छे से हो। मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है। देखिए शेडिंग किस तरीके से जा रही है।
कटिंग कीजिएगा, यहाँ पे डार्क है थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा, जहाँ पे आपको लाइट रखना है वहाँ लाइट रखिएगा। कैसे अगर आप लोगों को पेंटिंग अच्छा लग रहा है, आपको स्केच अगर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। शेडिंग करने के बाद उस शेडिंग को एक पेपर या फिर कोई किसी कपड़े से उसको पहले फिनिशनेस दे देंगे, फिर एक ब्रश की मदद से उसको फिनिशनेस अच्छे से देंगे। देखिए किस तरीके से कर रहे हैं, ताकि स्मूथनेस आ जाए। इस स्केच को बनाने के लिए मैंने कोई भी हाई क्वालिटी का सामान यूज़ नहीं किया है, सारे ही चीप क्वालिटी के सामान है। आप मार्केट से इजीली परचेस कर सकते हैं, आप मार्केट में जाके किसी भी बुक शॉप से ये पेंसिल अवेलेबल होगा, सारे बुक शॉप में आप कहीं से भी ये पेंसिल्स खरीद सकते हैं। बहुत ही चीप क्वालिटी की पेंसिल से आपको 10 रुपये में 5 रुपये में ये सारे पेंसिल्स 2B 8B 6B पेंसिल्स मिल जाएंगे। आपको जहाँ जिस पार्ट में डार्क करना है, अगर पार्ट में डार्क अच्छे से करना है, तो आप स्टम का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका डार्क पोर्शन अच्छे से डार्क हो जाए। नोज पिन बना रहे हैं। इस तरीके से हम पूरी पेंटिंग कंप्लीट करेंगे। आप देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़।
saddest man I've been.